नमस्कार दोस्तों, जी के रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। सीटी के अंदर दो बड़े बदलाव किए गए हैं जिनको लेकर परेशानी भी हो सकती है। देखिए, 256 फार्मासिस्ट की भर्ती में सरकार ने 6 माह की जो शर्त लगाई थी उसे हटा दिया गया है। चेयरमैन साहब का बयान आया है कि अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने 6 माह के प्रशिक्षण की शर्त को हटा दिया है। वहीं दूसरी भर्ती जिसके अंदर ग्रुप सी की भर्ती में अतिरिक्त शिक्षा व डिप्लोमा का जो विकल्प है वो भी जोड़ दिया गया है। इससे पहले ITI और जो एजुकेशन वाले कैंडिडेट है, डिप्लोमाधारी का अभ्यर्थी है, उनको परेशानी आ रही थी, अब पोर्टल के अंदर अपडेट कर दिया गया है। लेकिन जहाँ पर जो फार्मासिस्ट की है वो अन्य भर्तियाँ हैं, इनके अंदर जो चेंजमेंट किया गया है, अगर किसी भी अभ्यर्थी ने पहले फॉर्म भर दिया और जब उसके अंदर जो दिया गया था कि फार्मासिस्ट में 6 माह का वो चाहिए, तो उसके पास अगर 6 माह का जो एक्सपीरियंस नहीं था और उसने उस भर्ती को छोड़कर अन्य भर्तियों का फॉर्म भर दिया और इसके लिए वो अप्लाई नहीं कर पाया, तो उनका क्या होगा। इस प्रकार से ये CET सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अब वो कैंडिडेट क्या करें जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है, तो सरकार को इसके लिए एडिट का ऑप्शन देना चाहिए और ये भी देना चाहिए कि आप अब अपनी कौन कौन सी वैकेंसी के लिए, आपने जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके अंदर भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसा भी इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है और 99% ये होना भी चाहिए और होगा भी, लेकिन अभी तक तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। और आशा करते हैं कि ये भी अपडेट आए कि इसके अंदर आप अपनी जो पोस्ट है वो भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट थी। लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।